नमस्कार दोस्तों, सर्दियों में पानी से दूरी खुद ब खुद बढ़ जाती है। महज 16 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर लोग गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ तो एक या दो दिन छोड़कर नहाने लगते हैं। लेकिन आपने सोचा है कि सियाचिन के -50 डिग्री में तैनात भारतीय जवान आखिर कैसे अपनी जिंदगी के इन आम कार्यों को अंजाम देते होंगे? यदि आपको इस बारे में नहीं पता तो आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। सियाचिन, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है, जहां मातृभूमि की रक्षा में हिंदुस्तान की सेना के जवान जी जान से डटे रहते हैं, यहां जिंदगी इतनी मुश्किल है कि पिछले 30 साल में हमारे 846 सेना के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। बेहद खतरनाक मौसम के बावजूद देश के 10,000 जवान इस बर्फीली चोटी पर दिन रात अपने डेरा जमाए रहते हैं और दुश्मन देश के नापाक मनसूबों को नाकाम करते हैं। यहाँ पर जवानों को एक दफा नहाने के लिए करीब 90 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। सैनिकों को बेस कैंप से सियाचिन की अति दुर्गम चढ़ाई का फासला तय करना होता है। इसके लिए जवान एक साथ चलते हैं और सब जवानों के पैर एक रस्सी से बंधे होते हैं ताकि कोई फिसलकर गहरी खाई में न गिर जाए। पेट्रोलिंग टीम को अपने बेस कैंप से जल्दी निकलना पड़ता है ताकि वहाँ 8 या 9 बजे तक चोटी पर पहुँच सके। जल्दी इसलिए निकलते हैं क्योंकि सुबह बर्फ सख्त रहती है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, यहाँ पिघलकर खिसकने लगती है। ऊंचे दुर्गम इलाकों में चढ़ाई करते जवानों के साथ 20 से 30 किलो वजनी बैग होता है, जिसमें बर्फ काटने वाली एक कुल्हाड़ी, उनके हथियार और रोजमर्रा के कुछ सामान होते हैं। शून्य से नीचे तापमान होने के बावजूद सैनिक पसीने से तरबतर हो जाते हैं क्योंकि शरीर पर 6 से 7 मोटी लेयर वाले कपड़े होते हैं और दूसरा जवानों के पीछे कई किलो वजनी बैग। -9 डिग्री में तापमान की वजह से चोटी पर पहुंचते पहुंचते फौजियों के शरीर और कपड़े के बीच पसीने की परत जम जाती है। गर्मी बढ़ने के साथ इन बर्फ के टूटने की आवाज को साफ सुना जा सकता है। 0 से 60 डिग्री तक के तापमान में खाना पीना भी मुश्किल होता है। जवानों को केन या टीन के डिब्बाबंद पात्र में पैक खाना दिया जाता है। इसमें ज्यादातर लिक्विड होता है, जिसे खाने या पीने से पहले आग पर गर्म कर पिघलाना पड़ता है। इन मुश्किलों से निपटने के लिए जवानों को सूखा मेवा और चॉकलेट दी जाती है ताकि वहां कड़ाके की ठंड में भी ना जमे। यहां पर पीने के पानी की दिक्कत होती है, इसलिए बर्फ को पिघलाकर ही पीना होता है। वैसे इन जवानों को पानी में डालने के लिए एक टेबलेट दी जाती है, जिससे इसकी पूरी गंदगी खत्म हो जाती है। भूख ना लगना यहाँ पर एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता ही है। सब कुछ ठंडा होने की वजह से इनके पाचन तंत्र पर भी असर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर एक सेहतमंद जवान को भी टॉयलेट में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है। यहाँ तक कि टॉयलेट के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को हमेशा स्टोव पर रखा जाता है ताकि वहाँ ठंड से जमे नहीं। इन सब काम में केरोसिन तेल का उपयोग होता है, जिसके लिए सरकार ने यहाँ पर पाइपलाइन बिछा दी है। कड़ाके की ठंड और ऑक्सीजन की कमी का बड़ा असर नींद पर देखा जाता है। जवान ठीक से नींद पूरी नहीं कर पाते, जिससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए सियाचिन मोर्चे पर डटे जवानों को एक साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जाता है। सियाचिन में सबसे बड़ी समस्या अंगों के जमने की है। शरीर का जो भी हिस्सा किसी मेटल के संपर्क में आता है तो वह पलक झपकते ही जम जाता है या फिर कट जाता है, फिर उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। बेहोशी और सिर दर्द बने रहना यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। जो जवान यहाँ डटे रहते हैं, उनमें शरीर का वजन घटना, भूख की कमी, नींद न आना और याददाश्त खोने की खबर अक्सर यहाँ पर सामने आती रहती है। यहाँ पर हर काम में बहुत सावधानी बरती जाती है, इसलिए रोजाना इसकी सुरक्षा में करीब 7 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। तो फ्रेंड, ये है हमारे देश के रियल हीरो की स्टोरी, जो मुझे आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद।